मॉरेटोरियम चाहिए। आपका जॉब जा चुका होगा, आपका बिजनेस ऑलमोस्ट ठप पड़ा हुआ होगा, आप जो भी काम कर रहे हो लॉकडाउन कारण कर नहीं पा रहे हो, घर में पैसा नहीं आ रहा होगा, आप अपने ईएमआई को पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, आपको मॉरेटोरियम की बहुत ज़रूरत है। पर क्या लगता है आपको मॉरेटोरियम मिल जाएगा? आपको क्या लगता है घर पे बैठ के यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके आपको मॉरेटोरियम मिल जाएगा? ऐसे किसी को कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको एक रिपोर्ट की बात बताता हूँ, यहाँ पे बंधन बैंक के सीईओ ने साफ कहा है कि वो मॉरेटोरियम नहीं देना चाहती, और लगभग सभी बैंकों के सीईओ जो उनके चेयरमैन हैं और जो भी बैंक है वो आपको मॉरेटोरियम नहीं देना चाहते। अगर देना होता तो अभी तक दे चुके होते। इस पे आरबीआई चर्चा कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी पीआईएल दर्ज हुआ है। विशाल तिवारी जी ने एक पीआईएल दर्ज किया है जिसमें उन्होंने बोला है कि कम से कम 6 महीने तक के लिए तो मॉरेटोरियम मिलना चाहिए। देश के जो हालात है ज़रूरी भी है, कम से कम 6 महीने मॉरेटोरियम मिलना चाहिए। पर क्या इतना काफ़ी होगा आपके मॉरेटोरियम के लिए? देश में किसान आंदोलन के बारे में आपने सुना है, क्यों किया जा रहा है? जब किसी को लगता है कि जो उनको मिलना चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट, बैंक, एनबीएफसी कंपनी अगर उन्हें नहीं दे रही है, तो उसके लिए आपको सामने आना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है? किसी भी यूट्यूबर को कमेंट करके कि सर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे पास आ पाता है, मैं बहुत कोशिश करूँगा तो अपने वीडियो के ज़रिए उस चीज़ को सामने रख सकता हूँ, पर क्या मेरे बोलने से आपका परेशानी दूर होता है? मैं ये बता सकता हूँ कि जिनका लोन अकाउंट मार्च तक स्टैंडर्ड है उनको लोन रिकास्ट की फैसिलिटी मिल सकती है, उनको मॉरेटोरियम मिल सकता है। पर ऐसे कितने लोग होंगे? कुछ। पर बाकी लोग तो वही है जो बिजनेस कर रहे हैं, जोमेटो वाले, ओला वाले, उबर वाले, जितने भी ऐसे कंपनी हैं वो साथ में आकर सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दर्ज करने जा रही है, वो खुद आवाज़ उठा रही कि उनको मॉरेटोरियम चाहिए। एक रिटेल, एक जो आम इंसान होता है, एक रिटेल बोरोवर होता है, वो सबसे ज़्यादा परेशान है अभी। मेरे जैसे बोरोवर जो एक लोन लेके कोई कार खरीदते हैं, लोन लेके कोई भी धंधा व्यापार करते हैं और उसके बाद वो अपने ईएमआई को पे नहीं कर पा रहे हैं। अभी ज़रूरी है कि सब सामने आके एक साथ आके अपने आवाज़ को उठाएं। मैंने बहुत बार वीडियो में बोला है कि आपके जो भी सोशल मीडिया हैंडल है, व्हाट्सएप है, किसी भी मीडियम से कोशिश कीजिए कि आपके बातों को आगे लिया जा सके। जब तक वो बात आगे नहीं जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है कि आपको कुछ भी फ़ायदा मिले। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट सब जानती है, यहाँ पे बैंक सब जान रहे हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, आप ईएमआई की पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, फिर भी वो चुप है। मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, आप ईएमआई की पेमेंट ना करें, बैंक एनबीएफसी कुछ नहीं कर पाएगा और इस मंथ के लास्ट तक मॉरेटोरियम मिल भी जाएगा, पर उनके टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे सामने आएंगे जिसमें आप चाह के भी मॉरेटोरियम नहीं ले पाओगे। और जिनको मॉरेटोरियम मिल भी जाएगा वो बाद में उसका पेमेंट करते करते पागल हो जाएंगे। तो फिलहाल आप क्या कर सकते हो, मैं हमेशा बोलता हूँ एक साथ आइए। बहुत सारे जब भीड़ आएगी अपने बातों को सामने रखिए, क्योंकि यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट और किसी को भी ये मॉरेटोरियम वाला इशू कोई प्रॉब्लम ही नहीं लग रहा है। जितने लोग कोरोना से परेशान है उतने लोग लोन ईएमआई से भी परेशान है। जितनों की जान ये ले रहा है उससे ज़्यादा जान एक लोन ले रहा है और रिकवरी एजेंट जो उनको इतना परेशान कर रहा है। इस चीज़ को समझिए, आपको सामने आने की ज़रूरत है। छोटे छोटे वीडियोस में अपना चैनल बनाइए, उसमें अपनी बातों को रखिए, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जहाँ पॉसिबल हो इस बात को इतना फैलाइए कि ये भी एक इशू है। कोरोना जान ले रहा है तो एक आम आदमी की जान लोन भी ले रहा है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। तो एक छोटा सा ये पहल था, उम्मीद करते वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।